चलिए, तो आज अपना टारगेट है ट्रांजिस्टर, यानी आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वास्तव में ट्रांजिस्टर को दो भागों में हमने डिवाइड कर रखा है समझने के हिसाब से। एक तो हमारा है बीजेटी, एक जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो तो है बीजेटी, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है हमारा वो है एफईटी। यानी ट्रांजिस्टर को हमने दो क्लासों में डिवाइड किया है, एक बीजेटी और दूसरा एफईटी। अब ये एफईटी भी दो प्रकार का होता है, ये जो आपका एफईटी है वो भी दो प्रकार का, कौन कौन सा? एक तो है जेएफईटी और दूसरा है मोस एफईटी, दूसरा आपका मोस एफईटी है। यानी एक जेएफईटी और दूसरा कौन सा है? मोसपेट। तो आज हमारा टारगेट है बीजेटी। हम देखते हैं कि बीजेटी क्या है, कैसे हम बीजेटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है बीजेटी, आज हम देखेंगे बीजेटी को कि भाई बीजेटी क्या है। तो देखो, जैसे कि यहाँ लिखा है बी, तो बी का मतलब है बाईपोलर, बी का मतलब है बाईपोलर, और जे का मतलब है जंक्शन, और टी का मतलब है ट्रांजिस्टर, यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आज हमारा ट्रांजिस्टर टारगेट है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी आज हम देखेंगे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है। तो देखो, ये वास्तव में बीजेटी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक तो है एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। एक एनपीएन और दूसरा कौन सा है? पीएनपी। तो उसमें से भी आज हम किसकी बात करेंगे? एनपीएन की। तो देखो, एनपीएन ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर में कौन सा? बीजेटी, और बीजेटी में भी कौन सा है? एनपीएन। तो मैंने आपको ये बताया कि भाई ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर दो प्रकार का, बीजेटी और एफईटी, एफईटी भी दो प्रकार का, बीजेटी और जेएफईटी और मोसफेट। उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? बीजेटी की। बीजेटी कितने प्रकार का? दो, एनपीएन और पीएनपी। उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? एनपीएन की। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, ये एक सेमीकंडक्टर है हमारा, ये करो स्टार्ट। तो ये जो आपका ये पीस है, सबसे पहले अब इसको हमें एनपीएन बनाना है। तो ये हमारा एन हो गया, ये हमारा एन है, और ये हमारा हो गया पी, और ये हो गया हमारा एन। अब बस इसी को समझना है बार बार, बीजेटी, ये बीजेटी है, और इस बीजेटी में कितने लेयर हैं? तीन, एन पी और एन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एन की कि ये एन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे ये एन का क्या चक्कर है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें बीजेटी बनाना है तो बीजेटी में तीन लेयर होती है, एन पी और एन, और उसमें सबसे पहले कौन सी लेयर बनानी है हमें? एन। अगर हमें एन लेयर बनानी है तो एन लेयर बनाने के लिए हमें दो आवश्यकता है, एक तो हमें चाहिए सेमी कंडक्टर, एक तो हमें चाहिए सेमी कंडक्टर, और दूसरी जो आवश्यकता है हमारी सेमी कंडक्टर में वो है इम्प्योरिटी, यानी पेंट्रावेलेंट। दूसरी हमारी जो आवश्यकता है वो है पेंट्रावेलेंट, यानी पेंट्रावेलेंट इम्प्योरिटी हमें मिलानी है, पेंट्रावेलेंट इम्प्योरिटी हमें मिलानी है। अब ये क्या चक्कर है, जैसे हम दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पत्थर, सीमेंट, चूना पत्थर, ये सब हमें चाहिए। ऐसे जो आपका बीजेटी है, इस बीजेटी की एन लेयर को बनाने के लिए हमारी दो आवश्यकता है, एक सेमी कंडक्टर और दूसरा पेंट्रावेलेंट। अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर हम काम में लेते हैं सिलिकन या फिर जर्मेनियम, या फिर क्या काम में लेते हैं? जर्मेनियम काम में लेते हैं। अब दूसरा क्या है? पेंट्रावेलेंट। अगर हम पेंट्रावेलेंट की बात करें तो आर्सेनिक, एक है हमारा आर्सेनिक, एक है हमारा एंटीमनी, एक है हमारा बिस्मिथ, एक है हमारा बिस्मिथ, और एक है फास्फोरस, फास्फोरस, और एक है नाइट्रोजन, ये एक है हमारा नाइट्रोजन। अगर हम बात करें हमारी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के हिसाब से, यही हमारे पंचसंयोजी है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम आर्सेनिक की। ये जो हमारा आर्सेनिक है, एंटीमनी है, हमारा बिस्मित है, हमारा बिस्मित, उसके अलावा फास्फोरस, और उसके अलावा नाइट्रोजन, ये सब के सब पेंट्रावेलेंट है। अब हमारा दिमाग थोड़ा सा खराब, हमको बीजेटी की एन लेयर बनानी थी, तो एन लेयर बनाने के लिए दो आवश्यकता, एक तो सेमी कंडक्टर और दूसरा पेंट्रावेलेंट। अब सेमी कंडक्टर में हमने किसको सेलेक्ट किया है? सिलिकन को, और पेंट्रावेलेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मित, फास्फोरस और नाइट्रोजन। और इसकी ट्रिक है बाप, इसकी आपकी ट्रिक क्या है? बाप, बी का मतलब बिस्मित, ए का मतलब आर्सेनिक, ए का मतलब एंटीमनी, और पी का मतलब फास्फोरस। नाइट्रोजन गैस है इसलिए इसको काम में नहीं लेती।
अब आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आर्सेनिक की। पहली बात तो ये आर्सेनिक आया कहां से, जैसे सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करेंगे आर्सेनिक की और देखते हैं भाई आर्सेनिक कहां से आया। तो जैसे प्रकृति से हमें सोना मिला है, चांदी मिला है, कॉपर मिला है, एल्यूमिनियम मिला है, पत्थर मिला है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृति में कॉपर मिला, एल्यूमिनियम मिला है, सोना मिला है, चांदी मिला है, ऐसे ही हमें आर्सेनिक भी मिला है और हमने मान लिया ये आर्सेनिक का पीस है। अब ये जो आर्सेनिक का टुकड़ा है, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, ऐसे ही किसका टुकड़ा है, आर्सेनिक का। इस आर्सेनिक के टुकड़े के अंदर परमाणु होते हैं। कितने परमाणु? बहुत सारे। उनमें से हमने आर्सेनिक का एक परमाणु ले लिया। अब ये जो आर्सेनिक का एक परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 33। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18। 18 और 10 कितने हो गए? 28। तो सबसे बाहर के में कितने हुए? 5। इसलिए आर्सेनिक पेंट्रावेलेंट है और हिंदी में बात करें तो पंचसंयोजी। अगर हिंदी में बात करें तो क्या है? पंचसंयोजी। अब ये क्या नाटक है भाई, दीवार बनानी थी तो पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, ऐसे ही अगर बीजेटी की एन लेयर बनानी है तो सेमीकंडक्टर चाहिए प्लस पेंट्रावेलेंट चाहिए। पेंट्रावेलेंट कौन है? आर्सेनिक। आर्सेनिक मिला कहां से हमें? प्रकृति से। ये किसका टुकड़ा है? आर्सेनिक का। इसके अंदर क्या है? परमाणु। कितने परमाणु? बहुत सारे। उनमें से क्या लिया? एक परमाणु। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 33। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरे में 18 और सबसे बारकी में क्या है? 5। तो सबसे बारी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ही पेंट्रावेलेंट आपका क्या कहलाता है? पंचसंयोजी। अब बात करते हैं एंटीमनी। एंटीमनी के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 51। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, उससे अगली में 18। 18 दुनी 36 और 10 कितने हो गए? 46 और 5 कितने हो गए? 51। इसका मतलब एंटीमनी भी आपका क्या हुआ? पंचसंयोजी। अगर हम लोग बात करें बिस्मित की, तो बिस्मित का जो एक परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 83। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और 32 60 और 70 और 8 78 और 5 क्या है? 83। अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के एक परमाणु में कितने होते हैं? 15। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 8 तो 10 और 5 क्या हो गए? 15। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7। पहली कक्षा में 2 और सबसे बाहर के में कितने हैं? 5। तो ये सब पेंट्रावेलेंट। तो समझने की बात क्या है, अरे भाई एन बनाना था तो एन बनाने के लिए क्या काम मिले रहे हम? सेमी कंडक्टर। दूसरा क्या मिला रहे हैं? पंचसंयोजी। जिसकी बारी कक्षा में कितने हैं? 5। तो आवर्त सारणी के हिसाब से यही पंचसंयोजी है। डन है। तो अब हम करते, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां हमें एन बनाना था, यहां हमें एन बनाना है। तो एन बनाने के लिए हमने क्या किया, एक तो सेमी कंडक्टर काम में लिया है और सेमी कंडक्टर भी कौन सा काम में लिया है? सिलिकन। सेमी कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर के रूप में क्या काम में लिया है? सिलिकन। अब सिलिकन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और सबसे बारकी में कितने हैं? 4। तो हमारा सिलिकन, ये जो सिलिकन है वो क्या है? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट, और टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है? चतुर्संयोजी। और इसमें जो अशुद्धि मिला रहे हैं, इंप्योरिटी मिला रहे हैं, वो कौन सी मिला रहे हैं हम? पेंट्रावेलेंट। और पेंट्रावेलेंट का मतलब पंचसंयोजी। पेंट्रावेलेंट का मतलब पंचसंयोजी। जैसे हमने इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया और मान लो फास्फोरस सेलेक्ट कर लिया, तो अगर हम फास्फोरस की बात करें इसके एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 15। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और सबसे बारकी में कितने हैं? 5। अब देखो, अगर हम बात करें सिलिकन, अब हमने इन दोनों को मिला दिए, जैसे मान लो इन दोनों को हमने यहां पर क्या कर दिए? मिला दिए। इन दोनों को हमने मिला दिया, जैसे एक लड़के और लड़की को मिला देते हैं, ऐसे इन दोनों को मिला दिए। तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। किसी भी परमाणु की बारी कक्षा में होनी चाहिए 8, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। तो जबकि होनी चाहिए 8, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अतिरिक्त। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये खुद क्या बन गई? प्लस। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके खुद क्या बन गए? प्लस। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारी एन लेयर है उस एन लेयर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन। यानी ये जो एन लेयर है उसमें इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा कौन से आयन है? पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रॉन और कौन से आयन है? पॉजिटिव। एन लेयर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन और उसके अलावा कौन से आयन है? पॉजिटिव आयन। तो हमने क्या समझाने की कोशिश की है? हमने ये समझाने की कोशिश की है एन लेयर, एन लेयर को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर और पंचसंयोजी। सेमीकंडक्टर सिलिकन है, सिलिकन की बात करें तो सिलिकन चतुर्संयोजी है, और ये पेंट्रावेलेंट ये पंचसंयोजी है। इसकी बारी कक्षा में 5। 5 और 4 कितने हो गए? 9। बारी कक्षा में होने कितनी चाहिए? 8। एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, तो ये दोनों
इलेक्ट्रॉन को त्याग करके खुद क्या बन गई, धन आयन। तो ये तो है एन। अब हमें बनाना है पी, अब हमें क्या बनाना है पी। तो अगर हमें पी बनाना है तो जिस तरह से हमने एन बनाया उसी तरह से हम क्या बनाएंगे पी। तो पी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेमी कंडक्टर। पी बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में कौन सी अशुद्धि मिलानी होगी, पी बनाना है तो ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट का मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि हमें मिलानी है। त्रिसंयोजी मतलब जिसकी बाहरी कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, दूसरा एग्जाम्पल कौन है बोरोन, उसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल कौन है गैलियम, इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल कौन सा है इंडियम, आपका इंडियम, और इसके अलावा फिफ्थ कौन सा है थैलियम। आवर्त सारणी के अनुसार केवल यही क्या है त्रिसंयोजी है। आवर्त सारणी के हिसाब से ये त्रिसंयोजी है। एल्यूमिनियम मतलब आई एन और थैलियम मतलब टी एल। आवर्त सारणी के हिसाब से यही त्रिसंयोजी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, एल्यूमिनियम। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 13। तो पहली कक्षा में दो, दूसरी में 8, और तो 10, और सबसे बाहर के में कितने हैं 3। तो एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या कहलाता है, त्रिसंयोजी। अगर हम बात करें बोरोन तो बोरोन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। तो पहली कक्षा में 2 और सबसे बाहर के में क्या है 3, तो इसलिए बोरोन हमारा क्या हो गया, त्रिसंयोजी। अगर हम बात करें किसकी, गैलियम, तो गैलियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपके 31। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और तीसरी में 18, और 10 28, और 3 क्या हो गए 31। अगर हम बात करें इंडियम तो इंडियम के एक परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होते हैं 81। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, और 32 60, 70 और 8 78, और 3 क्या होते हैं 81। इंडियम नहीं, ये एक्चुअल में थैलियम, इंडियम नहीं, ये वास्तव में थैलियम है। अगर हम बात करें थैलियम तो थैलियम के एक परमाणु में कितने होते हैं 81। और अगर हम बात करें किसकी, इंडियम, तो इंडियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 49। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, और उसके बाद में 18 36 46, और 3 क्या होगी 49। अब क्या समझना है, अब हमें समझना है, हमें पी बनाना था किसका, बीजेटी का। अगर बीजेटी का पी बनाना है तो हम आ जाते हैं पी पर। पी बनाना है तो सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का मतलब ये है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास क्या है, सिलिकन। भगवान का दिया हुआ क्या है, सिलिकन, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, पत्थर, ऐसे ही सिलिकन। इसमें मिलाना त्रिसंयोजी है। एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये त्रिसंयोजी है। अब ये त्रिसंयोजी क्यों है, ये त्रिसंयोजी इसलिए है, ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है। ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा हमें मिला कहाँ से, प्रकृति से, भगवान से। इस एल्यूमिनियम के टुकड़े में अंदर क्या है, परमाणु, कितने सारे, बहुत सारे परमाणु हैं। उनमें से क्या ले लिया, एक परमाणु। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 10, और सबसे बाहर के में क्या है 3। तो एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी कहलाता है। और क्यों कहलाता है त्रिसंयोजी, क्योंकि बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। किसकी बाहरी कक्षा, एक परमाणु की, और ये परमाणु कहाँ है, एल्यूमिनियम के टुकड़े में। तो इस तरह से ये आपका मतलब त्रिसंयोजी। अब मैंने कहा था कि पी बनाना है तो एक तो क्या काम में लेना है हमें, सेमी कंडक्टर, जो मान लो हमने क्या काम में लिया है, सिलिकन, प्लस दूसरा क्या काम में लिया है, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब त्रिसंयोजी। अब सिलिकन का एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, और सबसे बाहर के में 4। त्रिसंयोजी है, मान लो मतलब त्रिसंयोजी में मान लो हमने बोरोन ले लिया, तो एक परमाणु में कितने होंगे 5, पहली कक्षा में 2, सबसे बाहर के में 3। इसकी बाहरी कक्षा में 4 है, इसकी बाहरी कक्षा में कितना है 3। इन दोनों को हमने मिला दिया। अब तुम्हें पता है मिला दिया तो बाहरी कक्षा में 8 होनी चाहिए, जबकि 4 और 3 क्या है 7। एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन के स्थान पर क्या है, होल। होल के पास क्या होता है, प्लस। तो होल को त्याग, होल के साथ ये कौन सा आयन है, नेगेटिव आयन। तो यहां से ये निकल कर आता है कि जो पी लेयर है इसमें होल और कौन से आयन होते हैं, नेगेटिव आयन। ये होल और उसके अलावा कौन से आयन है, नेगेटिव आयन। यहाँ होल और कौन से आयन है, नेगेटिव आयन। यहाँ होल और कौन से आयन है, नेगेटिव आयन। अब कुछ लोग सोच रहे हो पता नहीं क्या कचरा कर दिया। तो हम इतनी सी बात कह रहे थे, एकदम शॉर्टकट कह देते हैं, इधर देखो एकदम एक साथ अच्छे से, कि चाहे भले ही आप पी बनाओ और चाहे भले ही एन बनाओ, दोनों के लिए सेमी कंडक्टर तो चाहिए। अगर आपको पी बनाना है तो त्रिसंयोजी मिलाओ, एन बनाना है तो पंचसंयोजी मिलाओ।
ये जैसे हमने पंच संयोजी मिलाया, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हमने कुछ नहीं बनाया, ये हमें भगवान से मिला। सेमीकंडक्टर, ये भी भगवान से मिला है। पी बनाने के लिए हमने जो त्रिसंयोजी मिलाया, ये भी भगवान से अब हमने मिला दिया। तो कुल मिलाकर, अब अगले आगे चलते हैं, एक बार रोक लो। तो कुल मिलाकर ये हमारा बीजेटी है, कुल मिलाकर ये हमारा क्या है, बीजेटी। और बीजेटी में कितनी लेयर हैं, तीन। ये बीजेटी में अभी तक हमारी तीन लेयर है, ये है पी, ये हमारी, ये हमारा एन, ये हमारा पी और ये हमारा एन। यहाँ एन प्लस, यहाँ पी माइनस और ये हमने लिखा है एन। अब हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि अगर हम बात करें एन की, तो एन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, एन में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी में, एन में इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बात बताई थी। और एन में ही होल किस में होता है, माइनॉरिटी में, होल किस में होता है, माइनॉरिटी में। अब अगर हम बात करें पी की, तो पी में जो हमारे होल है वो किस में होते हैं, मेजोरिटी में, होल किस में होते हैं, मेजोरिटी में। और इलेक्ट्रॉन है वो किस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका माइनॉरिटी में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होता है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये एन लेयर है, ये आपकी कौन सी लेयर है, एन। और एन में ज्यादा संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने मान लिया कि ये एन है और इस एन में ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये हमने मान लिया एन, और एन में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन, ये एन में ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ये एन में ज्यादा संख्या में हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जैसे आप ये मान लो कि ये जो है ना लड़कों का हॉस्टल है, तो लड़कों के हॉस्टल में लड़के क्या होंगे, ज्यादा, सीधी बात है। ऐसे ही पी है, तो आप ये मान लो लड़कियों का हॉस्टल है, तो लड़कियों के हॉस्टल में होल भी क्या होंगे आपके, ज्यादा। यानी पी लेयर है, इसमें होल की संख्या क्या होती है, ज्यादा। आप इस तरह समझ लें। अब ये जो बीजेटी है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, और ये जो टर्मिनल है आपका एमीटर है, ये टर्मिनल आपका एमीटर है। तो बीजेटी में एक टर्मिनल है वो एमीटर होता है। अब एमीटर का मतलब है जो एमिट करे, जो उत्सर्जन करे, जो सप्लाई करे, यानी कि जो एक तरह का सोर्स है, जो एक तरह का क्या है, सोर्स, उसी को बोलते हैं एमीटर। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि बीजेटी में सबसे ज्यादा जो डोपिंग है, सबसे ज्यादा जो डोपिंग है वो किस में की जाती है, तो आंसर क्या आएगा, एमीटर। सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर में की जाती है। अब ये डोपिंग क्या है, डोपिंग का मतलब ये है कि एमीटर जब हम बना रहे हैं, तो एमीटर की एन लेयर बना रहे हैं। अब एन लेयर बना रहे हैं तो हम इसमें दो चीज मिला रहे हैं, एक तो सिलिकन और दूसरा क्या मिला रहे हैं, पंच संयोजी। अगर हम इसमें पंच संयोजी अशुद्धि ज्यादा मिलाएंगे तो इसका मतलब है डोपिंग ज्यादा है, और अगर इसमें हम पंच संयोजी अशुद्धि ज्यादा मिलाएंगे तो डोपिंग ज्यादा होगी, और डोपिंग अगर ज्यादा है तो सीधी सीधी बात है क्या ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बीजेटी में सबसे ज्यादा डोपिंग किस में होती है, तो किस में होती है, एमीटर में। अब एमीटर में डोपिंग ज्यादा होती है, इससे फायदा क्या है, अगर यहाँ डोपिंग ज्यादा की तो सीधी बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एमीटर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई भी क्या करेगा, ज्यादा, देखो कचरा हो गया। एमीटर है, एमीटर को में ये एन लेयर है, एन लेयर के लिए सिलिकन में कौन सी अशुद्धि मिलाई है, पंच संयोजी। अब पंच संयोजी मिलाएंगे तो आपको पता है इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, अशुद्धि ज्यादा मिलाओगे यानी इंप्योरिटी ज्यादा मिलाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एमीटर सप्लाई करता है, किसकी सप्लाई करता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की मतलब मेजोरिटी की सप्लाई करता है। तो जितने ज्यादा डोपिंग होगी उतनी ज्यादा सप्लाई करेगा, किसकी, मेजोरिटी कैरियर की। तो सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर की जाती है, ताकि वो क्या करे, ज्यादा सप्लाई, और किसकी ज्यादा सप्लाई करे, मेजोरिटी कैरियर की, ज्यादा सप्लाई किस करे, मेजोरिटी कैरियर की। और अगर हम बात करें मेजोरिटी कैरियर, तो पी, ये जो एन है उस, अगर एन पी एन है तो ये जो एन है इसमें ज्यादा संख्या में कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो वो किसकी सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन की। अगर अभी ये पी एन पी होता तो पी में ज्यादा संख्या में कौन होते, होल, तो ये किसकी सप्लाई करता, होल की। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर में की जाती है, ताकि वो ज्यादा सप्लाई करे, किसकी, मेजोरिटी की। अगर एन पी एन है तो एन में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन, और पी एन पी है तो पी में मेजोरिटी कौन है, होल। अब अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये हमारा टर्मिनल बेस है, ये जो हमारा टर्मिनल है वो टर्मिनल कौन सा है, बेस। अब अगर हम बात करें बेस की, तो आप ये देख रहे हो सबसे जो कम एरिया है, अगर हम बीजेटी की बात करें तो बीजेटी में जो सबसे कम एरिया होता है वो बेस का होता है, एरिया सबसे कम किसका, बेस का। और सबसे कम एरिया भी बेस का है, और सबसे कम अगर हम डोपिंग की बात करें तो डोपिंग भी सबसे कम होती है किसमें, बेस में। ऐसा क्यों,
मतलब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बीजेटी में सबसे कम डोपिंग किसमें होती है? बेस में। सबसे कम एरिया किसका होता है? बेस का। अब प्रश्न आता है क्यों होता है, वो इसलिए होता है। अब आपको पता है ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है इधर आ रहे हैं, जैसे मान लो ये लड़कियों का हॉस्टल है और ये लड़कों का, तो ये लड़के इधर आ रहे हैं, ये लड़के इधर आ रहे हैं। तो मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ होल कितने? 2, 4, 6 और 8 होल हैं, यहाँ 8, यहाँ आपके 8 होल हैं, तो यहाँ कितने होल पहुंचेंगे? 92, या 92। अगर इसका एरिया ज्यादा होगा या इसमें डोपिंग ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा है तो होल भी क्या होंगे? ज्यादा। जैसे मान लो यहाँ 12 हो गई, तो यहाँ कितने पहुंचेंगे फिर आपके? 88। कितने पहुंचेंगे? तो यहाँ जितना ज्यादा एरिया होगा और या जितनी ज्यादा डोपिंग होगी, उतने ही इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिलेंगे, और इस मिलने को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो हम ये चाहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कम हो। किसका? इलेक्ट्रॉन और होल का। इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन कम हो, इसलिए हम बेस का एरिया भी कम रखते हैं और बेस की डोपिंग भी कम रखते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है यार, यहाँ लड़की लड़के हैं, यहाँ लड़कियां हैं, जितने ज्यादा बड़ा लड़कियों का हॉस्टल होगा उतने ज्यादा आपस मिलेंगे, और आगे तुम जानती हो डिटेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, ये आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन कम हो इसलिए इसका एरिया भी कम रखते हैं, डोपिंग भी कम रखते हैं। सबसे कम एरिया है, सबसे कम डोपिंग है, तो बेस करंट भी सबसे कम होती है। बेस करंट है वो भी क्या होती है? सबसे कम, सबसे कम होती है। अब हम बात करते हैं बीजेटी के तीसरे टर्मिनल की, और ये टर्मिनल कौन सा है? कलेक्टर। ये टर्मिनल आपका कलेक्टर है। तो जैसा आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई? ऐसा सब, अगर हम बात करें कलेक्टर की, कलेक्टर का मतलब एक तरह का कलेक्शन करने वाला, उसी को बोलते हैं कलेक्टर। तो बीजेटी में सबसे ज्यादा जो एरिया है, एग्जाम में साफ आएगा कि बीजेटी में सबसे अधिक एरिया किसका होता है, तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका होता है? कलेक्टर का। बीजेटी में सबसे अधिक एरिया कलेक्टर का होता है, लेकिन क्यों होता है? कारण ये है। तो भाई हम देखो आपको देसी बताते हैं कि बीजेटी में कलेक्टर का एरिया ज्यादा क्यों होता है। अब हमने क्या किया है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बेस से होता हुआ कहां पर आया है? कलेक्टर में आया है। तो वो इलेक्ट्रॉन गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? हीट। अगर हीट को हम ज्यादा एरिया में फैलाएंगे, अगर हीट ज्यादा एरिया में स्प्रेड होगी तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा। हीट है वो किसमें फैल रही है? ज्यादा एरिया में, तो टेम्परेचर स्प्रेड क्या? टेम्परेचर कम बढ़ेगा। नहीं समझ में आया भाई? सिंपल, एक आप मोमबत्ती ले लो और उसको एक बड़े कमरे में रख दो, तो कमरे को गर्म होने में बहुत कम समय लगेगा। लेकिन अगर उसी मोमबत्ती को हम कम जगह में रख दें तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हीट जब ज्यादा एरिया में फैलेगी, हीट अगर ज्यादा एरिया में फैलेगी तो टेम्परेचर आपका कम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर ज्यादा ना बढ़े, आपका टेम्परेचर है वो ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए हम कलेक्टर का एरिया क्या रखते हैं? ज्यादा। देसी बात है यार, हीट ज्यादा एरिया में फैल रही है तो टेम्परेचर कम बढ़ेगा। अगर ये एरिया कम होता तो वो हीट कम क्षेत्र में फैलती और टेम्परेचर आपका ज्यादा बढ़ता। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? सबसे ज्यादा एरिया होता है कलेक्टर का। मतलब सीधी सीधी बात करते हैं, तीन पॉइंट है। एक है आपका डोपिंग, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा डोपिंग किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा डोपिंग एमीटर। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर। एमीटर से कम किसकी होती है? कलेक्टर। और कलेक्टर से कम किसकी होती है? बेस। अब हम बात करें किसकी? एरिया। तो देसी बात है, एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है? कलेक्टर का। कलेक्टर से कम किसका होता है एरिया? एमीटर का। और एमीटर से कम एरिया किसका होता है? बेस का। अगर हम बात करें करंट की, तो सबसे ज्यादा करंट ये एमीटर सप्लाई कर रहा है, तो सबसे ज्यादा करंट होती है एमीटर। सबसे ज्यादा करंट होती है एमीटर। एमीटर से कम करंट कौन सी होती है? कलेक्टर। और कलेक्टर से कम करंट कौन सी होती है? बेस। तो हम क्या देख रहे हैं? हम यह देख रहे हैं कि सबसे कम डोपिंग, सबसे कम एरिया और सबसे कम करंट कौन सी है? बेस करंट। अब यहां से हम कहां चल रहे हैं? आगे रुको एक बार। अब हमारा टारगेट है, ये हमारा बीजेटी है जो हमने आप ये पहले बात की थी। अब वहां से हम कहां चल रहे हैं? आगे चलिए। ये हमारा है एन और ये हमारा क्या है? पी। ये एन और ये पी। तो तुम्हें पता है ये एन और ये पी है, दोनों मिल रहे हैं यहां, यहां मिल रहे हैं ना, ये एन और ये पी दोनों यहां मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? जंक्शन। अब सेम केस यहां है, एन पी और ये क्या है? एन। तो यहां पर भी दोनों क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं भाई, ये पी है और ये क्या है? एन। तो दोनों यहां मिल रहे हैं, तो कितने जंक्शन हुए? दो। तो सीधी बात है, बीजेटी में दो जंक्शन होते हैं, एन प्लस और पी माइनस, दो जंक्शन है आपके। ये हमारा टर्मिनल हो गया एमीटर और ये टर्मिनल हमारा क्या हो गया? बेस। तो बीजेटी में दो जंक्शन होते हैं, एक जंक्शन तो ये हो गया और दूसरा जंक्शन ये हो गया।
अब हमें यहाँ लगानी है बैटरी, यहाँ हमें क्या लगानी है बैटरी, तो बीजेटी को बैटरी से जोड़ते हैं, उसी को बीजेटी की क्या कहते हैं बाइसिंग। भाई बीजेटी से जो बैटरी को जोड़ते हैं उसी को बोलते हैं बाइसिंग। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो पी को जोड़े प्लस से या माइनस से, तो पी को कनेक्ट कर दिया हमने प्लस से और एन को किससे कनेक्ट कर दिया माइनस से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जंक्शन है ना, जिसको बोल रहे हैं हम एमीटर जंक्शन, ये फॉरवर्ड हो गया। दूसरा क्या कर सकते थे हम, इसे रिवर्स कर सकते थे, और तो कोई संभावना थी नहीं। ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा कलेक्टर। अब यहाँ भी हमें क्या कनेक्ट करनी है, एक बैटरी कनेक्ट करनी है। अच्छा तो ये हमारा एक जंक्शन है, ये हमारा एक जंक्शन है पी और एन, तो ये हमारा एक क्या है जंक्शन है, जिसको हम कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं। तो बीजेटी को का ये जो जंक्शन है ये कलेक्टर जंक्शन है ये, या तो हम पी को प्लस से या एन को माइनस से। तो हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एन को प्लस से और पी को माइनस से, तो ये जंक्शन हमारा क्या होगा रिवर्स। तो देसी बात है, दो जंक्शन है, एक तो एमीटर जंक्शन है और एक कलेक्टर जंक्शन है, ये दो जंक्शन है। अभी हमने क्या किया है, ये जो एमीटर पी को प्लस से और एन को माइनस से, इस जंक्शन को हमने क्या कर दिया फॉरवर्ड बायस, ये जंक्शन हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब देखो एन को पी को प्लस से या एन को माइनस से, ऐसे नहीं किया, उल्टा किया है, एन को माइनस से नहीं प्लस से जोड़ा है, तो ये कलेक्टर जंक्शन क्या कर दिया हमने रिवर्स बायस, ये हमने रिवर्स बायस किया है। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा बीजेटी कहलाता है एक्टिव, ऐसा कर दें तो हमारा बीजेटी क्या कहलाता है एक्टिव। अगर ये जैसे पी को प्लस से और एन को माइनस से, यहाँ एमीटर फॉरवर्ड है, अगर इसको जंक्शन को हमें रिवर्स करना है यानी इसको भी फॉरवर्ड करना है, तो एन को माइनस से और पी को किससे कनेक्ट कर देते प्लस से, भाई पी को प्लस से, तो ये भी क्या हो जाता है फॉरवर्ड। अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड है तो हमारा बीजेटी क्या हो जाएगा सैचुरेट, हमारा बीजेटी सैचुरेट हो जाएगा थर्ड केस में। अभी जैसे रिवर्स है, पी को प्लस से नहीं माइनस से जोड़ रखा है, अगर हम यहाँ पर भी ऐसा ही करते पी को प्लस से नहीं माइनस से जोड़ देते और इसको प्लस से, तो दोनों क्या हो जाते रिवर्स, यानी एमीटर जंक्शन भी रिवर्स बायस और कलेक्टर जंक्शन भी रिवर्स बायस, दोनों जंक्शन रिवर्स हो जाते, तो हमारी बीजेटी फिर क्या हो जाती ऑफ, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं कट ऑफ। तो लास्ट केस क्या है, एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस और कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इसको क्या बोलते हैं रिवर्स एक्टिव, रिवर्स एक्टिव। इस मोड को तो कमी, इसको को तो काम में लेते ही नहीं है, सबसे फेमस है ये वाला, सबसे फेमस, एग्जाम में कई बार आ जाता है कि बीजेटी एक्टिव कब कहलाता है, बिल्कुल फेमस है कि बीजेटी आपका एक्टिव कब है। तो देसी बात है, पी को प्लस से जोड़ रखा है और एन को माइनस से, यहाँ पर पी को प्लस से नहीं माइनस से जोड़ रखा है, एन को प्लस से, तो ये भी क्या हो गया, तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलेक्टर रिवर्स, तो बीजेटी क्या हो गया एक्टिव, बीजेटी एक्टिव है, समझ नहीं रहे हो क्या, खुल्ला खुल्ला दोबारा देख लो एक बार, ये है हमारा एन, ये है हमारा पी और ये हमारा क्या है एन, अरे भाई ये एमीटर है, ये एमीटर, इस जंक्शन को फॉरवर्ड करना है, तो पी को प्लस से एन को माइनस, ये फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, उसके अलावा ये कलेक्टर है हमारा, तो यहाँ भी हमें क्या लगानी है बैटरी लगानी, तो पी को प्लस से नहीं माइनस से जोड़ दो, ये रिवर्स होगा, तो बीजेटी हमारा क्या कहलाएगा एक्टिव। रोको, बीजेटी तीन मोड में काम करता है, एक तो कॉमन बेस, एक है कॉमन एमीटर और दूसरा है कॉमन कलेक्टर, ये तीन मोड में काम करता है बीजेटी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कॉमन बेस की, भाई कॉमन बेस क्या है, तो देसी समझ लो, ये आपका हो गया कॉमन बेस, यानी कि ये है एन प्लस, एन प्लस लिखा है ना प्लस, इसका मतलब यहाँ डोपिंग ज्यादा है, किसमें डोपिंग ज्यादा है एमीटर में डोपिंग ज्यादा है, यहाँ लिखा है पी माइनस, डोपिंग भी कम है और एरिया भी कम है, किसका बेस का, देसी बात समझो, और ये हमारा क्या है कलेक्टर है, कलेक्टर का एरिया क्या रहता है ज्यादा रहता है। उसके बाद में कॉमन एमीटर, अगर हम कॉमन एमीटर की बात करें तो देखते हैं लो क्या बात है, ये हमारा एन प्लस है, एन प्लस का मतलब एमीटर में डोपिंग क्या है ज्यादा, यहाँ पी माइनस है यानी बेस का एरिया भी कम है और डोपिंग भी कम है, और ये आपका क्या हो गया एन, ये टर्मिनल हो गया हमारा कलेक्टर, ये टर्मिनल हो गया एमीटर और ये टर्मिनल क्या हो गया बेस, ये हमारा एमीटर है, यहाँ पर कॉमन है, ये एमीटर कॉमन हो गया। अगर तीसरे केस की बात करें कॉमन कलेक्टर, तो ये हमारा कॉमन कलेक्टर हो गया ये, अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें तो ये एन प्लस और ये क्या हो गया आपका पी माइनस, रुको एक मिनट रुकना एक बार, तो ये हमारा कॉमन कलेक्टर, इसका डायग्राम दोबारा बना रहे हैं, ये हमारा कॉमन कलेक्टर है, अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें तो ये हो गया हमारा एन प्लस, ये हो गया हमारा पी माइनस और ये क्या हो गया एन, ये टर्मिनल है एमीटर, ये टर्मिनल है कलेक्टर
और ये टर्मिनल क्या है, बेस। अब आपका दिमाग खराब हो रहा होगा भाई, यहाँ तो बेस कॉमन है, यहाँ तो कौन कॉमन है, बेस। किस में, इनपुट में और आउटपुट में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस। यहाँ कौन कॉमन है, एमीटर। यहाँ आपका एमीटर कॉमन है, किस में, इनपुट में और आउटपुट में, इसलिए इसको कॉमन एमीटर बोलते हैं। यहाँ कौन कॉमन है, कलेक्टर। किस में, इनपुट में और आउटपुट में, इसलिए इसको कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। तो तीन फैक्टर हैं, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा कौन सा है, गामा। तो अल्फा की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ आउटपुट करंट कौन सी है, आई सी, और इनपुट करंट कौन सी है, आई ई। तो ये हो गया आपका अल्फा। बीटा की बात करें, देखो एमीटर तो कॉमन है ही, आउटपुट करंट कौन सी है, आई सी, इनपुट करंट कौन सी है, आई बी। तो ये हो गया आपका बीटा। अगर हम गामा की बात करें, आउटपुट करंट कौन सी है, आई ई, और इनपुट करंट कौन सी है, आई बी। ये हमारा गामा हो गया। अब समझना क्या है, यहाँ बेस कॉमन है ना तो यहाँ बेस करंट नहीं है, यहाँ एमीटर कॉमन है ना तो यहाँ एमीटर करंट नहीं है, यहाँ अगर कलेक्टर कॉमन है तो कलेक्टर करंट नहीं है। आउटपुट आई सी, इनपुट आई ई, आउटपुट आई सी, इनपुट आई बी, आउटपुट आई ई, इनपुट आई बी। ये होगा अल्फा बीटा गामा। अब देखो सबसे ज्यादा करंट बीजेटी में एमीटर होती है, तो जैसे मान लो हमने एमीटर करंट कितनी मान ली, 100, और एमीटर करंट कलेक्टर से कम होती है, जैसे मान लो 95, तो कितना आ गया मान, 0.95। इससे ये बात साबित होती है कि जो अल्फा का मान है ना वो लेस देन क्या होता है, 1। अब जैसे यहाँ माना है हमने, यहाँ आईसी का मान कितना माना है, 95, दोनों के मध्य अंतर कितने का है, वही तो बेस करंट है 5, तो कितना हो गया, 19। इसका मतलब है कि बीटा का मान हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, 1 से। बीटा हमेशा ज्यादा होता है किससे, 1 से। अगर हम गामा की बात करें, गामा तो आई ई को कितना माना है, 100, आई बी कितनी थी, 5, तो कितना हो गया, 20। इससे ये बात समझ में आती है कि गामा है ना वो भी ज्यादा होता है किससे, 1 से। तो अल्फा बीटा गामा, सबसे ज्यादा कौन है, गामा, गामा से कम कौन है, बीटा, और उससे कम कौन है, अल्फा। ये हो गया आपका अल्फा बीटा गामा। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये जो है ना, ये हमारा एमीटर जंक्शन है ये। अरे भाई एमीटर तो है ये, तो एमीटर जंक्शन है, इसको हम हमेशा फॉरवर्ड रखते हैं। तो फॉरवर्ड रखते हैं तो क्या करें, फिर एन को माइनस से और पी को किससे कनेक्ट कर दें, प्लस से। अरे भाई पी को प्लस से और एन को माइनस से, तो एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ भी हमें बैटरी लगानी है, तो पी को प्लस से और एन को माइनस से, तो ये जंक्शन भी हमारा फॉरवर्ड हो गया। ये जंक्शन कौन सा है हमारा, ये एमीटर ही तो है, तो ये एमीटर है, तो पी को प्लस से और एन को माइनस से, यानी ये जंक्शन भी क्या हो गया, फॉरवर्ड। हम क्या कहना चाहते हैं, हर बार एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड ही रखना है। कैसे, ये एमीटर जंक्शन था तो पी को प्लस से, एन को